गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सेंटर कैसे नहीं दिखाई दे रहे इस पे? हाँ हाँ है, कोई भी सेंटर कनेक्ट नहीं है। आ जाओ आ जाओ। हाँ तो बैठो ना, स्वागत है। चाय मंगवाएं? थोड़ा सा साउंड बढ़ा देना, पता चलता रहे मैं कौन है। हाँ जी, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था, एक बार कमेंट करना। लास्ट टॉपिक क्या कराया था एक बार कमेंट करो। गुड आफ्टरनून दीपांशु, निशांत, शशि, विश्वजीत, सुशीला, नितिन, लोकेश, प्रिंस, नमस्कार भाई सारे लोगों को। ऑफलाइन क्लास चल रही है नहीं, इस बात को छोड़ो, कोरोना के बारे में सोचो बस, और लास्ट टॉपिक बताओ क्या कराया था लास्ट टॉपिक। रिवर? अबे रिवर नहीं होगा, बायोलॉजी चल रही है इस बेस में। ना ना, बस बस पता चल गया, स्टमक था। स्टमक में मैंने आपको समझाया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है। हाँ बस ठीक है, जठर ग्रंथि जो है ये कहां होती है, ठीक है ना। जो जठर ग्रंथि होती है इसके बारे में मैंने बताया था कि ये पाई जाती है कहां पर, तो आपका आंसर होगा ये पाई जाती है लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, ये कहां पाई जाती है, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, यानी कि हिंदी में बोलोगे आप आमाशय के निचले भाग में, आमाशय के निचले भाग में। क्लियर है, आमाशय के निचले भाग में पाई जाती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है किसका सीक्रेशन करती है, तब आपका आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का। इनसे क्या निकलता है, तो आपका आंसर होगा जठर रस निकलता है। क्लियर है। और इस जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि तीन एंजाइम होते हैं इसमें, ठीक है ना। एक तो पेप्सिन होता है, दूसरा बताया था मैंने आपको रेनिन होता है, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, म्यूकस होता है। तीन बताए थे, ठीक है। हाँ भाई, शॉर्ट में समझाता हूं। पेप्सिन के बारे में बताया था मैंने, ये क्या करता है, प्रोटीन जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्टोन में। और प्रोटीन का पेप्टोन में कन्वर्ट होना कंप्लीट डाइजेशन है या पार्शियल, ये पार्शियल डाइजेशन होता है, आंशिक पाचन होता है। क्लियर है, चलो सर ओके। रेनिन क्या करता है, जो भी मिल्क होता है उस मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में, दूध को दही में बदल देता है। और ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, चाइल्ड में या एडल्ट में, तो आपका आंसर क्या होगा, ये चाइल्ड में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं होता। और चलते चलते एक बात और बता के गया था मैं, म्यूकस क्या करता है, तो आपका आंसर होगा एचसीएल से प्रोटेक्शन करता है, एचसीएल से प्रोटेक्शन करता है, यानी कि HCl से सुरक्षा करता है। क्लियर है, HCl के बारे में समझते हैं। देखो मान लो कि ये लगभग इस टाइप से स्टमक हो गया हमारा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पाइप है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। नीचे वाला जो पाइप है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है ड्यूडेनम, यानी हिंदी में आप बोलोगे क्या, ग्रहणी। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है इनमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं, जिनका नाम है ऑक्सिंटिक सेल, जिनका नाम क्या है, ऑक्सिंटिक सेल, यानी कि कुछ विशेष कोशिका पाई जाती है, ध्यान से सुनना, विशेष कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ऑक्सिंटिक कोशिका है, ऑक्सिंटिक कोशिका।
जो ऑक्सेंटिक कोशिका है ये सीक्रेशन करती है किसका? तो आपका आंसर होगा सर, ये सीक्रेशन करती है एचसीएल, सीक्रेशन ऑफ एचसीएल, एचसीएल का सीक्रेशन करती है ये, बराबर है। एचसीएल की फुल फॉर्म क्या होगी तो सारे लोगों को पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एचसीएल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो लगभग 1.4 है, यानी कि ये एक हार्ड एसिड है। अपने आप में क्या है? ये एक हार्ड एसिड है, ओके। और इसका फंक्शन क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो पहला फंक्शन होता है इसका, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया किलिंग का कार्य होता है इसका, बैक्टीरिया को किलिंग करने का काम करता है। दूसरे नंबर पे काम क्या होता है, ये फूड को एसिडिक फूड बनाता है। तीसरा इसका मेन फंक्शन होता है डिके ऑफ, सॉरी, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल डिके ऑफ फूड, ठीक है ना, भोजन को सड़ने से बचाता है। अब मैंने कहा कि इसकी पीएच वैल्यू काफी कम है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, जब पीएच वैल्यू काफी कम है तो इसका मतलब ये एक हार्ड एसिड हो गया, और जब हार्ड एसिड होगा तो सिंपल सी बात है, इससे हमारा स्टमक भी इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इससे प्रोटेक्शन का कार्य कौन करेगा? तब आपका आंसर होगा म्यूकस करेगा, ओके। प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा? म्यूकस करेगा। अब देखो स्टमक पर ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर एचसीएल जो होगा, सॉरी, म्यूकस जो होगा यहां पर एक लेयर बना लेगा, क्लियर है? ये लेयर किसकी बनी हुई है? तो नाम लिखा हुआ है उधर, म्यूकस लेयर है, एक म्यूकस लेयर बना ली, सबसे पहले क्रिया होगी। दूसरे नंबर पर क्या होगा सर? दूसरे नंबर पर एचसीएल रिएक्ट करेगा। तीसरे नंबर पर रिएक्ट कौन करेगा? तब आंसर होगा पेप्सिन रिएक्ट करेगा। रेनिन है तो रेनिन भी रिएक्ट करेगा, है तो ये चारों रिएक्ट करेंगे। और इन चारों के रिएक्शन के बाद होगा क्या, कुछ अमाउंट वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। और याद रखना अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहां होता है हमारी बॉडी में? तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक ही कर लेता है, अल्कोहल जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक ही कर लेता है, ओके। इसके बाद फिर स्टमक में मेन फंक्शन क्या होता है, फूड जो होता है 4 घंटे तक यहां पर स्टोर रहता है। 4 घंटे तक ये एंजाइम वगैरह जो कुछ भी अपना क्रिया करेंगे वो सब कुछ इस पर करेंगे, और उसके बाद फूड जो होता है, फूड की बना दी जाती है, यानी भोजन की लुगदी बना दी जाती है। लुगदी जानते हो, हाफ लिक्विड स्टेट ऑफ फूड। हाफ लिक्विड स्टेट ऑफ फूड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भोजन बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, ना तो तरल ही होगा और ना ही ठोस होगा। मतलब इसका सीधा सीधा ये हुआ कि भोजन जो होगा वो बिल्कुल ऐसे बना दिया जाता है जैसे कि हलवा होता है। और इस लुगदी बने हुए या हाफ लिक्विड स्टेट फूड को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इसको कहा जाता है काइम, क्लियर है? और यही काइम कहां पर पहुंच जाता है? अब ये इधर ग्रहणी की तरफ चला जाएगा। एक पॉइंट और समझ लेते हैं स्टमक में, ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हमारी छोटी आंत में वेस्टेज है, जो भी हमारी छोटी आंत में वेस्टेज है वो हमारे स्टमक में आ जाए, आगे बात समझ में, या स्टमक से हमारे मुंह से बाहर निकल आए? तो इसके पीछे कारण होता है क्योंकि यहां दोनों तरफ यहां पर वाल्व लगे हुए होते हैं, यहां पर हमारे स्टमक में दोनों जगह वाल्व लगे हुए होते हैं। ऊपर वाला जो वाल्व होता है इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये ईसोफेगस से कनेक्ट हो रहा है तो इसको कहा जाता है ईसोफेगस वाल्व, और इस वाले वाल्व को कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व। क्या कहा जाता है? पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। तो ये क्या करती है, वेस्टेज को ऊपर नहीं आने देता ये जो वाल्व होता है, ओके। यहां तक समझ आया ये? इसको आप जल्दी से नोट करोगे, फिर हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत के, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी से इसे नोट करो आप। एसिडिटी, देखो, हाँ ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा, हम बोलते हैं ना कि स्टमक में एसिड बन रहा है, एसिडिटी हो रही है। जब इसका सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो इसी को हाइपर सीक्रेशन कहा जाता है,
HCl का अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो इसको हाइपर सिक्रेशन कहा जाएगा। हाइपर सिक्रेशन को ही हम एसिडिटी नाम देते हैं, मतलब कि HCl जरूरत से ज्यादा बन रहा है। आगे बात समझ में? तो इसमें मुंह खट्टा होना या बिल्कुल आप देसी भाषा में समझ लो खट्टी डकार आना, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो वो हाइपर सिक्रेशन होता है इसका, ठीक है, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। जब जैसे ही यहां पर आएगा एसिडिक फूड, दोनों चीजों में अंतर है, HCl का इफेक्ट और एसिडिक फूड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुरंत बाइल जूस इसमें यहीं पर आकर मिल जाएगा और इसको बेसिक बना देगा। आगे बात समझ में? मतलब आपका कहना यह कि एसिडिक फूड क्यों इफेक्ट नहीं करता बॉडी को, तो बाइल जूस जो होता है उसको बेसिक बना देता है। बाइल जूस का काम ही ये है, ठीक है, बाइल जूस का काम ही ये है। हाँ, लास्ट क्लास में स्टमक के पार्ट लिखवाने वाले थे, कल ही मैं बता चुका हूं तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, बता चुका हूं। ऊपर वाले वाल्व को क्या कहा जाता है? ऊपर वाला जो वाल्व होता है इसको ईसोफेगस वाल्व कहा जाता है, नीचे वाले को पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। दोनों जगह वाल्व जो होते हैं, दोनों जगह वाल्व होते हैं। मीठी डकार भी होती है क्या? आप कोई भी ऐसा अननेसेसरी कमेंट नहीं करोगे जिसका मैं रिप्लाई ना कर पाऊं या फिर जिसको पढ़ने के बाद मुझे इरिटेशन हो। अब वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हो, कोई छोटी क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, अगर मीठी डकार आती तो मैं उसको अच्छे से डिफाइन करता। सिंपल है, खट्टे से पहले मीठा डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो ये नहीं सोचना है कि यूट्यूब पर क्लास है तो कुछ भी लिखो यहां पे। अगर ऐसा होगा तो फिर लास्ट में आके मैं क्या करूंगा, कमेंट ऑफ करा दूंगा, सीधा सीधा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो सब चलता है कमेंट में कुछ भी लिख रहे हैं जो फालतू स्टूडेंट होते हैं। आप पेड बैच के स्टूडेंट हो और काफी समझदार भी हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हाँ जी, नोट हुआ? जल्दी से नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। चलो पैरास्टेलिसिस मोशन होता है, क्रमांगोचन गति। हाँ, नो, पूरी बॉडी में नहीं होगा, केवल इसी में होता है। क्रमांगोचन गति इसी में होती है। जी, एक डाउट और आ रहा है कई सारे स्टूडेंट का कि HCl जो है वो कितना होता है। तो HCl लगभग
डेढ़ से दो लीटर के समथिंग अबाउट होता है। ओके एससीएल जो है वो डेढ़ से दो लीटर के समथिंग अबाउट होता है, ठीक है ना, डेढ़ से दो लीटर के समथिंग अबाउट होता है। हाँ जी, अब आप नेक्स्ट स्टेटिंग डालो स्मॉल इंटेस्टाइन, लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ भाई स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ओके हाँ भाई आलोक राज, ये फालतू के कमेंट मत करो, मैं यहां से ब्लॉक भी करा दूंगा। ओके कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो आप प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट मैं जब ही पढ़ पाऊंगा जब आप एक जेन्युइन कमेंट करोगे तब, ठीक है। एक स्टूडेंट का काफी देर से कमेंट आ रहा है कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, तो टार्ट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड भी होता है उसमें, सिट्रिक एसिड भी होता है, अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, आप प्रीफ्रेंस जो दोगे वो टार्ट्रिक एसिड को दोगे। ओके तो प्लीज आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट थोड़े सही करो, तो मैं पक्का कमेंट को ध्यान भी दूंगा और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा कमेंट का। ओके एससीएल हमारी बॉडी को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि म्यूकस की जो लेयर है वो लेयर जो है प्रोटेक्शन का कार्य करती है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान से समझना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो जो लेंथ होती है इसकी 6 to 6.9 meter होती है, लगभग 6 से लेकर 6.9 meter होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य कार्य होता है, पहले भी मैंने बताया था ध्यान से सुनना, देखो डाइजेशन तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट डाइजेशन, आप इसको ऐसे लिखोगे कंप्लीट डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। अब मैंने डाइजेशन के आगे तो कंप्लीट लिखा हुआ है बट एब्जॉर्प्शन के आगे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ये पूरी तरह से नहीं करती है। ओके आप इसको हिंदी में बोलोगे पूर्णतः पाचन, पूर्णतः पाचन प्लस अवशोषण, ये दो कार्य करती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, पूर्णतः अवशोषण नहीं करती है, ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा विलाई। मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, अभी जो बता रहा हूं उसको समझो आप, विलाई आर फाउंड, इसमें क्या पाए जाते हैं सर, कुछ आप बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे हमारे फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है विलाई। ओके जैसे हमारे बालनुमा संरचना में, जैसे मैंने जीभ पर बताया था, सेम ऐसे ही यहां पर कुछ बालनुमा संरचना में एक आकृति पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है, तो मैंने वही लिखा हुआ है विलाई आर फाउंड, इसमें विलाई पाए जाते हैं। और जो ये विलाई जो होते हैं कैसे होते हैं, तो आंसर होगा ये होते हैं फिंगर प्रोजेक्शन की तरह होते हैं, ठीक है ना, उंगलियों की जो संरचना होती है फिंगर प्रिंट की जो इस पे स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे ऐसे होते हैं। मानकर चलो ये पाइप है, ये एक कट निकाला आपने किसमें से, छोटी आंत में से, क्लियर है, जो छोटी आंत में से आपने कट निकाला
इसी के अंदर ये इस टाइप से बालनुमा संरचना होगी, इसी के अंदर ये बालनुमा संरचना होगी। अब होगा क्या, इसके अंदर जैसे ही फूड पहुंचेगा ये उस पर रिएक्ट करेंगे, फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे। ये जो बड़ा सा फूड का एक पीस था इसको ये फ्रैक्शन के माध्यम से क्या करेंगे, इसको थोड़े छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे, और छोटा फाइनली इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या विलाई जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। इस बात को आप यूं भी कह सकते हो कि छोटी आंत में क्या ऐसा खास पाया जाता है कि ये डाइजेशन कर देती है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंत में विलाई पाया जाता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है सर ये? तो विलाई का मेन फंक्शन होता है क्या करना, तो आपका आंसर होगा प्रोवाइड सरफेस एरिया टू इंटेस्टाइन। यानी कि ये जो हमारी आंत होती है, आंत को क्या करता है सर ये, आंत को ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंत को पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है लास्ट में जाकर पाचन हो जाता है। कैसे? तो आपका आंसर होगा आसानी से, आसानी से क्या हो जाता है सर, पाचन हो जाता है। बात बराबर है यहां तक? आसानी से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। ओके, हाँ जी, आसानी से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, मैंने इसकी लंबाई भी आपको बता दी और मैंने आपको यह भी बता दिया कि इसका मेन फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसको कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना? तो इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग इसका क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी। बिल्कुल आपने सही सुना, ग्रहणी। ये वही ग्रहणी है जो जंक्शन का कार्य कर रही थी। मिडिल पार्ट इसका क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा जेजुनम। और लोअर पार्ट क्या कहलाता है इसका, तो आपका आंसर होगा इलियम, ठीक है ना? ग्रहणी, जेजुनम, यानी कि इसको कहा जाता है मध्यांत्र, और इसको कहा जाता है शीशांत्र। तीन भागों में आपने इसको डिवाइड कर लिया। लिख देता हूं मैं, ये तो होता है अपर पार्ट, ये क्या होता है सर, अपर पार्ट, ये होता है मिडिल पार्ट, और ये होता है लोअर पार्ट। ये तीन पार्ट होते हैं इसके, अपर पार्ट, लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट। जो ड्यूडेनम है इसकी अगर हम आगे बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका एक ही फंक्शन होता है, क्या, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है ना? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो आपका आंसर होगा बसा का पाइसीकरण। मतलब क्या हुआ, मतलब कि बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बसा का क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है बसा का पाइसीकरण। बात क्लियर है? ये क्रिया कहां पर होती है, तो आपका आंसर होगा ग्रहणी में होती है। आगे बात समझ में, ग्रहणी में होती है। अगर आपसे पूछा जाता है और कोई डाइजेशन होता है ग्रहणी में, तो आपका आंसर क्या होगा, अदर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। इस वाली बात को आप ध्यान रखोगे। मेजर पार्ट कौन सा होता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो आपका आंसर होगा इलियम। इलियम वाला जो पार्ट है ये कैसा पार्ट होता है सर, मेजर पार्ट होता है, यानी कि ये आंत का मुख्य भाग होता है। जेजुनम वाले की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप एक पॉइंट याद रखोगे, इस वाले भाग में क्या होता है सर, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है ना? इस वाले भाग में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। ओके, जितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बताओ कि छोटी आंत समझ आई या नहीं आई। पूरा फंक्शन मैंने इसका बता दिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। ओके, जल्दी से कमेंट करो। हाँ जी, अभिषेक का कमेंट आ रहा है सर, कोरोना कब पढ़ाओगे आप? कोरोना मैंने ये चैप्टर फिनिश होने के बाद कराने के लिए बोला था, मैं भूला नहीं हूं, आप याद दिलाना, पक्का मैं कराऊंगा। ओके,
हाँ जी क्लियर है यहां तक। चलो हाँ जी क्लियर है यहां तक। ओके ठीक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है इसकी लंबाई 6 मीटर कैसे हो जाती है। एक्चुअल में ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आपस में गुथा हुआ होता है, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे एक रस्सी का बंडल होता है, कुछ इस टाइप से होता है ये। ओके आपस में ही ये गुथे हुए होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लो। सर जेजुलम बता दो। ओके जेजुलम की अगर हम बात करेंगे तो ये मिडिल पार्ट होता है हमारी छोटी आंत का, जो भाग ऊपर ग्रहणी वाला हो गया वो तो अपर हो गया, और जो भाग बड़ी आंत मैं लिखता हूं यहां पे इलियम वाला भाग किससे कनेक्ट होता है, कनेक्ट विद लार्ज इंटेस्टाइन। जो ग्रहणी वाला भाग है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा, सॉरी इलियम वाला जो भाग है ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और जेजुलम की अगर हम बात करेंगे तो ये फिर बीच वाला भाग हो गया भाई, एक तो वो भाग हो गया जो सीधा सीधा स्टमक से जाके जुड़ रहा है, एक वो भाग हो गया जो कि बड़ी आंत से जुड़ रहा है, अब बच्चा कौन सा भाग, बच्चा बीच वाला भाग, ठीक है ना। जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहा जाएगा, उसको जेजुलम कहा जाएगा, ठीक है उसको जेजुलम कहा जाएगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट का टैनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना। ओके टैनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना, डायग्राम इसका बताने के लिए कुछ है नहीं डायग्राम में, मैं इधर बना देता हूं। देखो ये जो डायग्राम है ये कौन सी आंत है, बड़ी आंत, ये इस टाइप से आपस में जुड़े हुए, ये आपस में ऐसे इस टाइप से ये गुथे हुए होते हैं और एक भाग आकर नीचे इससे जुड़ गया, तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा ड्यूओडेनम, मिडिल वाला पार्ट क्या कहलाएगा, जेजुनम, लोअर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इलियम, ये बताया मैंने बस, ठीक है। चलो ऑफलाइन वालों जल्दी से नोट करो इसे, यूट्यूब पर भी लाइव है क्लास, थोड़ा जल्दी नोट करो। क्या हुआ हाँ? अच्छा जिन लोगों का ज्योग्राफी में कुछ बचा हुआ था देखते हैं कल क्लास का क्या रहता है, कल नहीं तो नेक्स्ट संडे को क्लास लेके, एक क्लास का बचा हुआ है मैं उसको फिनिश करा दूंगा।
बिलाई, एक बार बता दीजिए, बिलाई जो होते हैं बालोनुमा संरचना होती है, ओके, बालोनुमा संरचना होती है हमारी छोटी आंत के अंदर, जो कि आंत को प्रस्थीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है, जिससे कि वो आसानी से पाचन कर ले, ओके, जिससे कि वो आसानी से पाचन कर ले। अपेंडिक्स का जो पेन है वो हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड है और वो बड़ी आंत का पार्ट है, ठीक है ना, अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत का पार्ट है, ओके। मोहित तोमर का कमेंट है, सर आप समझाते नहीं हो, हो सकता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं आपको, आपका थोड़ा समझने का लेवल ज्यादा हाई हो, आपको हायर लेवल से समझाने की जरूरत हो, मैं नेक्स्ट टाइम बेहतर ट्राई करूंगा जिससे आपको समझा पाऊं। आपने पहले बताया कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, बट फिर आपने बताया कि डाइजेशन नहीं होता है, मुकुल डबस थोड़ा सा समझ का फर्क है, आपका थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो गया होगा, मैंने केवल ये वाली बात ड्यूटेनम के लिए बोली हुई है कि डाइजेशन नहीं होता है, ना कि पूरी की पूरी इंटेस्टाइन के लिए, आगे बात समझ में, तो मैंने ड्यूटेनम के लिए बोला हुआ है और ऊपर मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट डाइजेशन, इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, तो कंप्लीट डाइजेशन जो करेगा वो इलियम वाला भाग करेगा, क्योंकि ये मैंने साफ लिखा हुआ है कि ये मेजर पार्ट है, और मेजर का मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ फंक्शन कर रही है, कुछ कार्य कर रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहा है, इलियम वाला भाग कर रहा है, ओके, इलियम वाला भाग कर रहा है, इलियम वाला भाग जो है वो पूरा का पूरा डाइजेशन करता है। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लिखो इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में लिखो आप, ठीक है ना। परवेज खान इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश मत लिखो, बस एक लाइन में सुन लो कि इलियम वाला भाग जो है ये मेजर पार्ट है और यही डाइजेशन सबसे ज्यादा करता है, ओके, हाँ भाई, हेडिंग डालो आप लार्ज इंटेस्टाइन और लिखो इसमें। देखो पहली बात तो ये कि इसको लार्ज किसके आधार पर कहा गया है, इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 1.5 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है स्मॉल की, लगभग 6 to 6.9, तो जब इसकी लेंथ ज्यादा है तो उसे लार्ज क्यों कहा गया, मोटाई के आधार पर, डायमीटर के आधार पर, लिखो एक लाइन इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर इट कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, व्यास के आधार पर, या फिर आप सीधा सीधा ये लिख दो समझने के लिए, मोटाई के आधार पर, लिखो व्यास या मोटाई के आधार पर इसे बड़ी आंत कहा जाता है, व्यास या मोटाई के आधार पर इसे, व्यास या मोटाई के आधार पर इसे, व्यास या मोटाई के आधार पर इसे बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लेंथ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो लेंथ 1.5, लेंथ में लिखो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1.5 मीटर लंबाई लिखो इसकी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट मेन फंक्शन लिखो इसका क्या है, मेन फंक्शन लिखो इसका क्या है, विलाई को विलाई ही कहा जाता है हिंदी में, ओके, मेन फंक्शन लिखो इसका क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन होता है इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ब्रैकेट में लिख दो वाटर,
मुख्य कार्य पूर्णतः अवशोषण है, 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 मुख्य कार्य पूर्णतः अवशोषण है। और ब्रैकेट में लिख लो पानी, यानी सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन किसका करती है, तो आंसर क्या होगा, वाटर का। और लिखो आगे, और लिखो आगे, और लिखो नेक्स्ट। ई कोलाई, लिखो ई सी ओ एल आई, ई डॉट सी ओ एल आई, ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन, लिखो इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन, सुमित उसमें नहीं होता, ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन, ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाया जाता है ना, बड़ी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है ना, बड़ी आंत में पाया जाता है, विच प्रोड्यूस विटामिन, विच प्रोड्यूस विटामिन के एंड बी ट्वेल्व, विच प्रोड्यूस विटामिन के एंड बी ट्वेल्व, जो कि विटामिन के तथा बी ट्वेल्व को उत्पन्न करता है या उसका संश्लेषण करता है या उसका निर्माण करता है, विटामिन बी ट्वेल्व या के को संश्लेषित करता है। विटामिन बी ट्वेल्व को संश्लेषित करता है, ठीक है। कॉपी में देखो मैंने एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट कराए या नहीं कराए, हाँ भाई, एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं देखो उसके पूरे पार्ट हुए या नहीं हुए, हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा पलट कर देखो, घर पे तो टाइम नहीं मिल पाता होगा खैर आपको, हाँ जी। चलो अब एडिंग डालो आप, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हेडिंग डालो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और जितने लोग लाइव हुए कमेंट करना बंद करो, पढ़ भी लो थोड़ी बहुत देर, हर एक सेकंड पे कमेंट आ रहा है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं अपने आप ही बताता चलूंगा। हाँ जी, देखना इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट लिखवाए मैंने,
लिख पाए ना, एक लाइन और बढ़ा लेना इसमें, लिखो एक लाइन और लिखो इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, लिखो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, लिखो लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। पहला भाग कहलाता है इसका सीकम, दूसरा भाग कहलाता है इसका कोलोन, तीसरा भाग कहलाता है इसका एनस ही होगा, ठीक है ना, सीकम कोलोन एनस या मलाशय, ये वाला भाग किससे कनेक्ट होगा? तो ये वाला भाग जो होगा ये कनेक्ट होगा किससे? कनेक्ट विद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये वाला भाग जो किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा, और अपेंडिक्स इसी का पार्ट होता है। अपेंडिक्स इस पार्ट, शॉर्ट में कर दिया मैंने, अपेंडिक्स इस पार्ट, अपेंडिक्स भाग है इसी का। कोलोन वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये मिडिल पार्ट होता है, कौन सा? ये वाला जो होता है, यहां बनाता हूं मैं, ये ऐसे घूम कर आ रहा था ना, ये पूरा भाग कौन सा है? ये कोलोन वाला भाग है। इससे नीचे वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा सीकम, और इधर की तरफ जो ऐसे भाग आ रहा था ये हो जाएगा एनस, सीकम एनस, और ये बाद बाकी कौन सा है? कोलोन है। एनस वाले की अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या होता है? इजेक्शन होता है, इजेक्शन ऑफ वेस्टेज, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में कहा जाता है इसको मल परित्याग, मनुष्य इस वाले भाग से मल त्यागता है, ठीक है ना। एनस या एनस वाला भाग भी होगा, ये रेक्टम भी कह सकते हो आप इसी को, रेक्टम भी नाम दे सकते हो मलाशय को, रेक्टम भी बोल सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ओके रेक्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि रेक्टम जो है रेक्टम का ही पार्ट है एनस जो है। अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है बॉडी में, ओके अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। कोलोन का क्या यूज है? तो कोलोन का यूज सबसे बड़ा है यही, देखो इसका मेजर पार्ट कौन सा है? वहां तो इलियम था, यहां कौन है? तो आंसर होगा कोलोन। कोलोन क्या है? कोलोन मेजर पार्ट है, यानी कि ये पानी का अवशोषण करने का कार्य करेगा, ठीक है। चलो रफ करो इसे, ऑफलाइन वालों कर दो, जल्दी करो नोट। गोपाल गौतम, डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का जो होता है वो 2102 होता है, ओके 2102 होता है, ये लास्ट बार बता रहा हूं, कौन क्या बता रहा है, किस वीडियो में क्या दे रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो बता रहा हूं उसे ध्यान रखो।
मल का रंग येलो क्यों होता है? इंडोल और स्केटोल जो होते हैं ना, इनके कारण होता है, इंडोल और स्केटोल के कारण। अबे चेक कर रहे हो क्या तुम लोग ये आलतू फालतू डाउट जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इनको पूछ पूछ के क्यों भाई? हैं, चेक कर रहे हो क्या कुछ आता है या नहीं आता है? ऑफलाइन में तो पूछ नहीं पाते, आज तो लाइव है, कमेंट कर करके आज पूछ ले। अपेंडिक्स कैसा होता है? अरे यार मैं अब कमेंट पढ़ना बंद कर रहा हूं, बकवास वाले कमेंट आ रहे हैं। अपेंडिक्स कैसा होता है? उंगली जैसा दिखाई देता है। उठा दियो, कैप गिर गया मार्कर का, थैंक यू। हाँ भाई, उंगली जैसी संरचना होती है। चलो ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक आने वाली थी, आई नहीं फिर। सर विजडम टूथ के बारे में पढ़ना होता है ना? बिल्कुल ना, तुम्हारे निकले कहाँ अभी विजडम टूथ? हाँ जी चलो पढ़ते हैं। ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको कहा जाता है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथि। देखो ग्लैंड क्या होते हैं, इनसे सीक्रेशन होता है, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सीक्रेशन किसका होना चाहिए यहां डाइजेस्टिव ग्लैंड में, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम या फिर आप लिखोगे जूस, यानी कि इनसे एंजाइम, एंजाइम का श्रावण होता है। जिन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है उनको कहा जाता है एंडोक्राइन, और जिनसे एंजाइम निकलता है उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन। तो जितनी भी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं इनको क्या बोलोगे आप? ये ग्लैंड हैं एक्सोक्राइन, यानी कि इनको कहा जाता है बहिःस्रावी ग्रंथि या बहिःस्रावी ग्रंथि, इनको बहिःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? अब इनमें के अंदर डक्ट पाई जाती है या नहीं, तो आपका आंसर होगा डक्ट्स आर फाउंड। यानी दो तरह की ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती है वो हार्मोन निकालती है, और वो जो कुछ भी निकालेंगी सीधा सीधा ब्लड में डायरेक्ट मिक्स करेंगी, उनमें छोटे छोटे पाइप्स नहीं होंगे। ओके, उनमें छोटे छोटे पाइप्स नहीं होंगे, क्लियर है? उनमें छोटे छोटे पाइप्स नहीं होंगे, ओके। बट वही अगर हम बात करेंगे एक्सोक्राइन की, तो ये मैंने कहा डक्ट्स आर फाउंड, डक्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पाइप्स होना, यानी कि इनमें वाहिका पाई जाती है। ये जो कुछ भी सीक्रेशन करेंगी वो एक पाइप के माध्यम से जाकर मिक्स होगा, वाहिका पाई जाती है। ओके, ये फर्क होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। सबसे पहली ग्लैंड की हम बात करते हैं, कौन सी ग्लैंड आएगी इसमें? स्लेवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी? स्लेवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। स्लेवरी ग्लैंड की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ध्यान दो इधर क्या है, कहां पाई जाती है ये? तो आपका आंसर होगा स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है सर फाउंड इन वक्कल कैविटी। ये मुख गुहा में
ये मुख गुहा पाई जाती है, सिलेबरी ग्लैंड जो है। कितनी जगह होती है ये, तो आपका आंसर होगा थ्री टाइप की होती है ये, या थ्री प्लेस पर ये फाइंड आउट होती है। कौन कौन सी होता है? एक तो होता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है नेक्स्ट सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होता है सब मैक्सिला, सब मैक्सिला ग्लैंड। तीन होती हैं ये लार ग्रंथियां। तीनों कहां कहां होती हैं ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो ये एक क्या बन गया, ये ये कोई भी सुंदर सा आदमी है, और इसके अंदर कहां कहां होगी, देखो ये तीन ग्लैंड होंगी इसके। इसको तो कहा जाएगा पैरोटिड, जो जीभ के, अब मानकर चलो यहां पर क्या है इसकी, ये जीभ है, ठीक है ना, तो जो जीभ के नीचे वाला भाग है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सबलिंगुअल। जीभ के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, सबलिंगुअल। और ये वाले यहां जो होंगी, ये यहां पे जो होंगी, इनको कहा जाएगा, एक तो ये जैसे ऊपर की तरफ हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाता है सब मैक्सिला, इनको क्या कहा जाता है सब मैक्सिला, ऊपर की तरफ जो होगी इसको ऐसे लिख लेना, सब मैक्सिला कहा जाएगा। तो ये तीन प्रकार की ग्लैंड होती है, सब मैक्सिला, सबलिंगुअल और पैरोटिड। फिगर से देखने पर ही आपको साफ पता चल रहा है कि कौन सी बड़ी है। कमेंट करो एक बार कौन सी बड़ी है, क्वेश्चन आता है यहां से कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी है। पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड, इधर लिख देता हूं मैं पैरोटिड। चलो आगे पढ़ते हैं, जो सलेवरी ग्लैंड होती है इनसे क्या निकलता है सर, सीक्रेशन करती है किस चीज का, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, लार का श्रावण करती है ये, ठीक है ना, और सलाइवा इनसे कित, अब सलाइवा के बारे में समझना है हमें, सलाइवा में 99% तो होता है वाटर, और 1% इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, दो, एक तो होता है टाइलीन और नेक्स्ट होता है लाइसोजाइम, एक तो टाइलीन और लाइसोजाइम, ठीक है ना,
और कितना निकलता है लार एक दिन में? तो आपका आंसर होगा 1.5 लीटर लार निकलता है पर डे। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8। किसकी? लार की। अब टाइलिन का और लाइसोजाइम का कार्य क्या है? लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया को फिनिश करता है, ये बैक्टीरिया किलिंग का कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि ये जीवाणु को खत्म करता है, ठीक है। और टाइलिन क्या करता है? ये डाइजेशन करता है। किसका? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। याद आ रहा है मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन वक्कल कैविटी में होता है। तो एक तो ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, और क्या करता है? हिंदी में लिख रहा हूं, भोजन को क्या बनाता है? तो आपका आंसर होगा ये भोजन को चिकना बनाता है। ये दो फंक्शन है इसके, ठीक है ना। ये दो फंक्शन किसके हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ये इसी के हैं। लार एक दिन में 3 से 4 लीटर ज्यादा निकलता है। अच्छा धर्मेंद्र, मुझे लग रहा है तुम्हारा ज्यादा लार निकलता है। ओके बाद बाकी लोग 1.5 लीटर ही लिखना। ओके जल्दी से नोट करो इसे।
हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीवर, लीवर पढ़ोगे, पेनक्रियास, पेनक्रियास कर लो पहले, या लीवर हेडिंग डालो, लीवर लिखो, लीवर, चल रही है अभी, हाँ वहीं से कंटिन्यू, हाँ जी, हेडिंग डालो, लीवर, यकृत, और इसी को हिंदी में कहा जाता है जिगर, लीवर, यकृत, इसी को हिंदी में कहा जाता है लीवर, सेंटर भी है, है? मैं तो भाई सेंटर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या चीज, कब, कोई बात नहीं, YouTube पे भी है, वीडियो मिलेगी, हाँ जी, हेडिंग डालो लीवर, और हेडिंग डालो लीवर, चलो लीवर पढ़ाता हूं, किसका, बड़ा खुश हो रहा है, क्या मिल गया, हाँ हाँ हेडिंग डालिए, तो थोड़ा साउंड बड़ा इसका, पता ही नहीं चल रहा, मतलब माइक ऑन है ऑफ है, बस बहुत है, लीवर, यकृत, जिगर, और क्या कहा जाता है इसको, पता नहीं क्या है, इसकी क्वालिटी पढ़ते हैं पहले क्या क्या है, पहली बात ये हैवीएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सबसे भारी अंग है लीवर, जो है सबसे भारी अंग है, ठीक है, वजन कितना होता है इसका, तो लिख देता हूं मैं, वेट जो है इसका ये होता है लगभग 3 किलो का, तो ज्यादा भारी हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम होता है, ओके, 1.5 किलोग्राम के समथिंग अबाउट होता है, इंक नहीं इसमें, इंक डलवाना, इंक जल्दी मंगाना, देखो है इसमें,
बनाओ इसे। हाँ भाई ये जो बीच में पार्टीशन बनाया है, इस पार्टीशन को क्या कहा जाता है? तो ये लिगामेंट होता है, ठीक है ना? इसको कहा जाता है फैल्सिफेरॉल, फैल्सिफेरॉल लिगामेंट। ये डिवाइड करता है लीवर को टू इक्वल पार्ट में, लेफ्ट और राइट में, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये अलग भाग हो गया लीवर का एक, ठीक है ना? ये वाला एक अलग भाग है लीवर का, और ये वाला एक अलग भाग हो जाएगा लीवर का, ठीक है ना? ये दो भाग हो जाएंगे लीवर के। और इसके अंदर जो है ये वॉलेट शेप में होता है, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पर्स है, क्या है? खुला हुआ है। अब इसमें से होगा क्या, ऊपर की तरफ से दो डक्ट निकलेंगे, ध्यान से समझना। यहां से इस प्रकार एक डक्ट निकलेगा, ये ना, इस डक्ट को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा हेपेटिक डक्ट, डस्ट नहीं डक्ट, इसको क्या कहा जाएगा? हेपेटिक डक्ट। कौन है? हेपेटिक वाहिका, ठीक है ना? इसको अगर आप लेफ्ट मान लोगे तो ये राइट हो जाएगा, ये भी हेपेटिक वाहिका होगी आपकी, हेपेटिक डक्ट हो जाएगी। इस हेपेटिक डक्ट के अंदर, सॉरी, इस लीवर के अंदर ही यहां पर ये भी एक डक्ट है, ये भी एक छोटी सी नली है, ठीक है ना? और ये स्ट्रक्चर क्या है? तो इसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर। इसको क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर कहा जाता है। हिंदी में इसी को कहा जाता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहा जाता है। और इस वाले पाइप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिस्टिक डक्ट, इसको कहा जाता है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक वाहिका। अब ये ऊपर की तरफ से तो हेपेटिक डक्ट आई, इधर से सिस्टिक डक्ट, और ये मिलने के बाद एक संरचना बन जाएगी, इसको कहा जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना? अभी कॉमन वाइल्ड डक्ट क्या करेगी? मानकर चलो यहां मैंने मान लिया, ये कंडीशन होती है इसकी,
ये जो ऑर्गन आपने बना रख मैंने बनाया है, इस ऑर्गन को क्या कहा जाएगा? इस पूरे के पूरे ऑर्गन को कहा जाता है सर क्या? पैनक्रियास। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैनक्रियास। ये वाला जो ब्लू कलर से मैं इसको सेट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? पैनक्रियास हो जाएगा। अब आप एक बात देखो, यहां से वाइल जूस यानी कि पित्त रस बनाया लीवर ने, ये पहले इसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद ये फिर यहां से होता हुआ किस में जा रहा है? पैनक्रियास में, पैनक्रियास में जा रहा है। कॉमन वाइल डक्ट किसके अंदर एंटर कर रही है? पैनक्रियास के। और इस वाले पाइप का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस वाले पाइप का नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि इसका नाम है अग्नाशय वाहिका, अग्नाशय वाहिका। और ये दोनों यहां आकर ओपनिंग कहां होती है इनकी? यहां ओपनिंग होती है इस वाले पाइप में। और इस पाइप को क्या कहा जाता है? इस पाइप को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है ड्यूडेनम, यानी हिंदी में बोलोगे आप इसे ग्रहणी, ड्यूडेनम या ग्रहणी कहा जाता है। और जो ये ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहा जाएगा? ऐसे बनाते हैं इस ओपनिंग को, इस ओपनिंग को क्या कहा जाएगा? तो इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है एम्पुला। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने यहां जितने भी डक्ट लिखे हुए हैं, मैं उनके इधर नाम और उनके फंक्शन लिखता हूं। पहले मैंने लिखा हुआ है हेपेटिक डक्ट, मैंने लिखा हुआ है यहां हेपेटिक डक्ट। फंक्शन क्या है? ये किसको कैरी करती है? आंसर होगा कैरिंग वाइल जूस। ये किसको कैरी करती है? तो आंसर क्या होगा? कैरिंग वाइल जूस, यानी कि ये पित्त रस, ये पित्त रस को क्या करती है? ये पित्त रस को, कैरिंग का मतलब क्या होगा यार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पित्त रस को ले जाती है कहां? नीचे। नेक्स्ट सिस्टिक डक्ट, ये वाला क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, सिस्टिक डक्ट वाला। सिस्टिक डक्ट का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है ना? तो ये कैरिंग वाइल जूस फ्रॉम लीवर, ऐसे लिखो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या करती है? ये यकृत से पित्त रस को ले जाती है, ठीक है ना। अब सिस्टिक डक्ट क्या कर रही है? ये है सिस्टिक डक्ट। ये कॉमन वाइल डक्ट से कहां ले जा रही है वाइल जूस को? तो आपका आंसर क्या होगा? गॉल ब्लैडर में। ओके, तो ये किस किस के बीच में होती है? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, बिटवीन, बिटवीन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एंड कॉमन, गॉल ब्लैडर एंड कॉमन वाइल डक्टर, ठीक है ना। ये किस किस के बीच होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये होती है सर पित्ताशय और, पित्ताशय और सामान्य, पित्ताशय और सामान्य पित्त वाहिका, सामान्य पित्त वाहिका की मध्य होती है। हाँ जी, कमेंट कहां कर दिए यूट्यूब वाले? बनाओ इसे जल्दी से। कमेंट हटाओ, ये बकवास कर रहे हैं, कोई पढ़ने वाला है नहीं कमेंट में। जो पढ़ने वाले होंगे ना, चुपचाप बैठ के पढ़ रहे होंगे, कमेंट स्क्रीन पे मत लगाना। हाँ बनाओ इसे जल्दी, क्लास तो टाइम हो गया शायद क्लास का।
बन गया, ओके पहुंचो घर। बारिश भी बंद हो गई है अभी। हाँ भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंप्लीट। ये फिगर वगैरह बना के तैयार कर दिया मैंने, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फंक्शन और कैसे ये हमारी बॉडी से जहर को दूर करता है, फैगोसाइटिक सेल्स कैसे काम करती हैं, वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।